देश में हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। घरों में घुसकर लोगों को मारा गया, लड़कियों के साथ बलात्कार किए गए, मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदू प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर लूटा गया। कट्टरपंथी इस्लामी भीड़ के इस उपद्रव को कोई रोक नहीं पाया। हालांकि हिंदुओं ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत में जो हो रहा है उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों का बांग्लादेश पर मौन सवालों के घेरे में है। फलस्तीन और गाजा पर आंसू बहाने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर क्यों चुप है, ये सवाल संसद में भी उठा कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। इस सवाल के बाद भी अभी तक कांग्रेस या उनके नेताओं की ओर से बांग्लादेश के हिंसा पर कोई बयान नहीं आया है। न तो कांग्रेस और न ही कांग्रेस के किसी सहयोगी दल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इस पर अब आम लोगों के बीच भी गुस्सा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह से अपना प्रतिरोध जता रहे हैं। इस बीच इसी मसले पर एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है। ये बुजुर्ग अपने आप को यदुवंशी सनातनी बता रहे हैं और अखिलेश और तेजस्वी को जमकर फटकार लगा रहे हैं। जय श्री राम। मैं सेकुलर नेताओं से पूछना चाहता हूं कि राहुल तो ना तो हिंदू के हैं और ना हिंदुस्तान के हैं, ना हिंदू। और जिस दिन बांग्लादेश जैसी हालात होगी ना, ये सीधा इटली में पहुंच जाएंगे, पहले ही भाग लेंगे। ऐसी हालात होते के साथ ही ये तो बिजनेसमैन हैं, माल खींचेंगे और सीधा इटली। यहाँ हिंदू मरे, क्रिश्चियन मरे, मुसलमान मरे, उस इनसे मतलब नहीं है। ये तो हमेशा से ये करते चले आए हैं। लेकिन दो पार्टियाँ हमारे ही देश की हैं, हमारे ही खून हैं और हमारे ही सनातनी हैं। बिहार में लालू जी, यूपी में हमारे माननीय मुलायम जी के सुपुत्र अखिलेश यादव। आप मुसलमान तो नहीं हो, इनकी आड़ के अंदर में तुम धन इकट्ठा करो, माल इकट्ठा करो, या तो तुम भागने का पहले ही इंतजाम कर लो। ऐसे हालात के अंदर में अगर तुम ये सोच रहे हो और ये तुम्हारे सेकुलर कुत्ते जो बोल रहे हैं ना कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी होगी, तो हिंदू तो तुम भी हो। और ये अपने बाप को नहीं छोड़े, बहन को नहीं छोड़े, भाई को नहीं छोड़े, पड़ोसी को नहीं छोड़े, तो छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। ऐसे ही चाहते हो तुम तो नेता हो, अकेले इतनी प्रॉपर्टी इतना माल लेकर के कहीं लंदन भाग जाओगे, इसलिए कि नेता भागते हैं तो लंदन ही जाते हैं। तो बाकी और ये सब जदुवंशी हमारे कहाँ जाएंगे? जदुवंशियों के साथ हमारे तुम दोनों आदमी धोखा कर रहे हो। आज हिंदुस्तान के जितने भी हमारे जदुवंशी सनातनी हैं, भैया से प्रेम कर लो, अपनी जात से प्रेम कर लो, लेकिन जिस दिन बांग्लादेश जैसी हालात हिंदुस्तान के अंदर में हुई तो जदवंशियों हमारे साथ तुम भी कटोगे। इसलिए कि एक वीडियो मैंने देखा था ना, वो कच्छा खोल करके ना वो लुल्ली देख रहे थे, नहीं कटी है, ये सारा हिंदू है, मारो इसको, और ऐसे कंडीशन कर रखा था। ये वीडियो कैसा है, लेकिन ये सब शुरू से ही चला आ रहा है। पैसा कमाना, वैभव करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने देश से और अपने सनातन अपने धर्म से प्रेम मोहब्बत करना, ये हर किसी के बस का नहीं है। और इतने संकट में हम लोग गुजर रहे हैं ना, ये दो परिवार जो है ना हमारे जदवंशियों को ख़त्म करा देंगे, ये बात मेरी नोट कर लेना। अब अगर ये सुधार नहीं तुम लोगों ने किया ना, चेत नहीं हुआ ना, तो बहुत बुरा दिन होगा तुम्हारे लिए, बचोगे तुम भी। इसलिए ये कि कच्चा खोल के हमारा भी चेक होगा, तुम्हारा भी चेक होगा, हो तो सनातनी ही जदवंशी हो ना, कटा तो है नहीं। वहाँ पे भी सारी जाति हैं, टोटल हिंदू देख रहे हो, हिंदू काट रहे हैं, हिंदू मार रहे हैं। और ऐसे ही अगर यहाँ ख्वाब देख रहे हैं लोग, दुआ कर रहे हैं, अगर बाई चांस पहली चीज़ तो यहाँ होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसी मेंटलिटी है तो एक ना एक दिन तो शेर बूढ़ा होगा ना। अगर उसकी औलादें, उसकी संतान यंग और फौलादी नहीं हुई ना, तो भेड़िए घूम रहे हैं, बचोगे नहीं। पैसा, गाड़ी, घोड़ा, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। इतिहास देखो, ये कभी किसी के नहीं हुई। पहले वो 5-10-50 आए थे यहाँ, अब करोड़ों कर दिए हैं, और ये सब उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ना हमारे पास हथियार है, ना हमारे लड़ने की क्षमता है, हम तो हाथ जोड़ने वाले हैं और ये दोनों हाथ खोल करके प्रहार करने वाले हैं। इनसे मुकाबला करने के लिए हमें वो चीज़ भी अब चाहिए, नहीं तो मिलिट्री और मिलिट्री बॉर्डर पे है, पुलिस वाले क्या करेंगे, उन गोली चलाएंगे, उनकी नौकरी चले जाएगी, उनका अधिकारी जवाब देगा, नेता का दबाव होगा, किस पार्टी के दबाव में है, तब तक कट जाएंगे।
तब तक कट जाएंगे। और यही है दिक्कत। बाबा ने जो कहा है ना, अपने आप में सत्य है, किसी भी पार्टी के हो, अगर अपने धर्म कर्म, अपने संतान, अपनी औलादों को बचाना चाहते हो, अपने माथे पे कलंक ना लिखवाओ ना, तो बाबा का समर्थन करो। कुर्सियां तो आती जाती रहेंगी, बाबा की जगह तुम भी बैठ जाना, थोड़े दिन मौज कर लेना, जिसकी भी लालसा कुर्सी की हो। लेकिन इस टाइम पे देश बचाना पहली प्राथमिकता है, और अगर ये रह गए, इनको कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सुना आपने, इस बुजुर्ग ने भारत की सियासत को विपक्षी पार्टियों की तुष्टिकरण वाली नीति को बेनकाब कर दिया है। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लोग इसे बुजुर्ग के दिल से निकली आवाज बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। के न्यूज़ राष्ट्र के नाम।